हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 4th and 5th of August 2022। 4 और 5 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू कर देंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं, उसके बाद एक सीसैट का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन और फिर पूरे जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है कल के भी और आज के भी। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, मैंने आपको बताया था कि आई एम बिजी इन सम वर्क सो आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियो, बट आज पूरी न्यूज़ आइटम्स जो भी कल के पेपर में इंपॉर्टेंट रही होगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम सारी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी करूँगा कि प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पहला देखो लिखा है, विद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गैलेक्सीज फ्रॉम द पास्ट कैन बी सीन। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, वी सी द सन्स इमेज विद अ लैग ऑफ 8.3 मिनट्स। ठीक है ना, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि JWST में हमको पास्ट की गैलेक्सीज के क्लस्टर्स की फ़ोटो देखने को मिली, मतलब 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर जो थी वो फ़ोटो देखने को मिली। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है, पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो लिखा है कि सन की इमेज 8.3 मिनट्स डिले से हमको दिखती है, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता है, देखने का मैकेनिज्म क्या होता है, सपोज़ करो ये आपके सामने एक टेलीविज़न रखा हुआ है। टेलीविज़न आपको कैसे दिख रहा है, क्या होता है, ये आपकी आँख है ना, और यहाँ पे ये लाइट इस पर पड़ रही है। लाइट जब इस पर पड़ती है, पहले मैकेनिज्म यही है, लाइट पहले इस पर पड़ती है फिर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँखों में पड़ती है। जब तक ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँख तक नहीं पहुँचेगी तब तक आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए अंधेरे कमरे में आपको कोई भी चीज़ क्यों नहीं दिखती, क्योंकि लाइट पड़ ही नहीं रही है। जब लाइट पड़ेगी नहीं तो आपकी आँखों में तो आएगी नहीं, तो इसलिए एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट पहले ऑब्जेक्ट पर पड़ती है फिर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँख में आती है। अब समझो, चूँकि सन से अर्थ पे आने के लिए जो समय लगता है लाइट का, वो लगता है 8.3 मिनट्स। अब जब सन से लाइट ही 8.3 मिनट्स में आ रही है, तो जब भी वो लाइट आपकी आँख में आएगी वो 8.3 मिनट्स पहले चली होगी, है ना, वो 8.3 मिनट्स पहले चली होगी, इसलिए तो आपकी आँख में आ रही है 8.3 मिनट्स बाद। तो जैसे ही आपके पास आई वो 8.3 मिनट्स पहले की इमेज रहती है, इसीलिए हमको जब सन की इमेज दिखती है वो 8.3 मिनट्स पहले की इमेज रहती है। और यही रीज़न है कि क्यों अभी जो हमको गैलेक्सी देखने को मिली है, क्लस्टर देखने, वो 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, मतलब कि वहाँ से लाइट आने में 4.6 बिलियन ईयर्स का समय लेती है। तो अभी जो इमेज हमने देखी थी रिसेंटली, वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले की इमेज है। सोचो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम के, उसके पहले की थोड़ी सी, है ना, तो इतनी पुरानी इमेज हमने आज देखी है। तो आज क्या वहाँ पे क्या हो गया होगा, ये कंडीशन देखने के लिए हमको 4.6 बिलियन ईयर्स और इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से जब भी लाइट आ रही है हमको 4.6 बिलियन ईयर्स पहले की ही इमेज देखने को मिल रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कॉल्ड बुलियन। बुलियन इनमें से किसको कहते हैं, पहला है गोल्ड, दूसरा है प्लैटिनम, तीसरा है सिल्वर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक एक करके देख लीजिए, बताइए। आंसर होगा इसका सी, यानी कि 1 और 3। गोल्ड और सिल्वर को ही बुलियन बोलते हैं, प्लैटिनम को आई डोंट थिंक बुलियन बोला जाता है। ठीक है ना, तीसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट लिखा है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ देयर मसल्स। दूसरा, इट इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? अपने से सोचिए, आंसर करिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि वन ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ नर्व सेल्स। लॉस ऑफ नर्व सेल्स के कारण ये होता है, ना कि वेरिसेला जोस्टर के कारण। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं। देखते हैं आज का मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे है, कैन वी से इंडिया हैज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, गिव रीजंस फॉर द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या हम कह सकते हैं कि भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आगे सी सेट का भी एक क्वेश्चन देख लो, लगा लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी कम से कम आप लोग की, है ना। मैं चाहता हूँ कि इस एनालिसिस को देखने के बाद आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, मतलब कि आपको यहीं पे मेंस का क्वेश्चन मिल जाए, यहीं पे आपको एक सी सेट का क्वेश्चन मिल जाए और सारे जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो भी आपको मिल जाए। तो वो पहला ये सवाल है, अच्छा सवाल है, 20 नंबर्स का एवरेज जो है वो ज़ीरो आ रहा है, 20 नंबर्स का एवरेज ज़ीरो आ रहा है। इसमें से आपको पता कितने नंबर मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं जो जीरो से ज़्यादा हों। ठीक है ना, कितने
नंबर इसमें ऐसे मैक्सिमम हो सकते हैं जो जीरो से ज़्यादा हो और फिर भी उनका एवरेज जीरो आए। तो दिस इज द क्वेश्चन, मैक्सिमम कितने नंबर्स इसमें जीरो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप अटेम्प्ट करिए, नहीं बनेगा तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज है वो है रिगार्डिंग द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस श्योर प्रोग्राम। श्योर प्रोग्राम किसका है? ये आपका किसका प्रोग्राम है? ये है SERB यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का प्रोग्राम है, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का प्रोग्राम है। अब ये किसने स्टार्ट किया है? मैंने बता दिया, SERB ने किया है। और ये इसका नाम क्या है? श्योर यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। क्या है ये, क्यों है ये, मैं आपको एम बताता हूँ। एम है इसका टू ऑगमेंट द रिसर्च कैपेबिलिटीज इन ए स्ट्रक्चर्ड वे टू क्रिएट अ रोबस्ट R&D इकोसिस्टम। मतलब कि रिसर्च कैपेबिलिटीज को इस तरीके से सपोर्ट करना, इस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करना कि जो हमारा R&D का इकोसिस्टम यानी कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इकोसिस्टम है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह वो टॉप क्लास का हो जाए। तो हमारे R&D के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए फॉर R&D, ये सारी चीजें हमको एम है इसका, इस प्रोजेक्ट का, किसका? श्योर प्रोग्राम का। श्योर मतलब कि स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सेलेंस। देख रहे हो, नाम से ही स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब इसमें टारगेट ही स्टेट यूनिवर्सिटीज को किया गया है, सिर्फ टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज को नहीं। जैसे अमूमन जो प्रोग्राम रहते हो, क्या बोलते हैं भाई, IITs के लिए करो, IIMs के लिए करो, बट ये प्रोग्राम देख रहा है कि भाई स्टेट यूनिवर्सिटीज का भी तो ऑगमेंट करो, क्योंकि हर जगह IITs और IIM में तो लड़के नहीं पढ़ रहे। ऐसा तो नहीं कि हर जगह सिर्फ IIT और IIM में पढ़ रहे हैं, अगर ये होता तो चलो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे उन बच्चों की भी जरूरत है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे फीचर्स अगर आप देखें तो लिखा है द स्कीम प्रोवाइड्स रिसर्च सपोर्ट टू एक्टिव रिसर्चर्स, ठीक है ना। तो जो एक्टिव रिसर्चर्स हैं उनको रिसर्च सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज देयर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी ना केवल रिसर्चर्स को बल्कि जो स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के रिसर्चर्स हैं उनको भी सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द बेस्ट थिंग कि अभी तक जो हम प्रोजेक्ट्स देखते थे वो केवल और केवल आपके IIT IIM के लिए रहते थे, रिसर्च के लिए भी हम बात करें, कुछ भी करें, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट जो है ये आपका बेसिकली फॉर योर स्टेट प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसमें कवर रहेंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, है ना। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि SERB बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता है। जैसे बीच में मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ाया था एक एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम थी, एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, वो भी लॉन्च की थी SERB यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने ही लॉन्च की थी, और ये लॉन्च की थी फॉर साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, तो ये भी याद रखेगा। इसके अलावा एक और बहुत सारे प्रोग्राम, सम्मोहन प्रोग्राम है ना, और आपका जिसमें सम्मोहन में दो पार्ट थे, संयोजिका और संगोष्ठी नाम के प्रोग्राम थे, ये भी चल रहे थे। अच्छा, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के बारे में आपको थोड़े से कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है ना, वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, याद रखेगा। और इसको बनाया गया था, इट वॉज एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 2009, ठीक है ना, पार्लियामेंट का एक एक्ट था और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको लेकर के आई थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, और इसको बनाया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, 2009 का ये एक्ट है, ठीक है ना। चेयर इसको कौन करता है? इसको चेयर करता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रैंक होती है, वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, वो इसको हेड करता है, ठीक है। इसका बेसिक एम क्या है? टू प्रमोट बेसिक रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग में रिसर्च को प्रमोट करना, ठीक है। आ गया समझ में? सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली। देखो, उसका इंस्टीट्यूशन, उसका प्रोग्राम, उसके अलग प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगली न्यूज़ है, देखो, लोकसभा ने पास किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022 जो अमेंड किया गया है, क्यों किया गया है? फॉर एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन वेरियस स्टेट। ये जो बिल है अमेंड करता है क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 2009 को अमेंड करता है। की फीचर इस बार का
ये है कि इसने गति शक्ति विश्वविद्यालय ओपन करवाया है, ठीक है ना। तो पहले नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन था ना, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा का, विच इज़ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसको अब गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इट विल बी अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाउ, ठीक है ना। याद रखेगा पहले क्या था, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा, अब वो क्या हो गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में रहेगा। और नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट वॉज डिक्लेयर्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी, पहले वो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी अंडर UGC 1956, ठीक है ना। नाउ दिस विश्वविद्यालय विल बी स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट वाया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब मैंने आपको बताया था कि गति शक्ति विश्वविद्यालय की खासियत क्या रहेगी। देखो पहले था नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, मतलब कि उसमें रेलवेज का मोड ऑफ वही बस इंक्लूडेड था, बट इसमें गति शक्ति विश्वविद्यालय में आपके सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो इंक्लूडेड रहेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग फॉर फ्रीट के लिए, फ्रीट कैरी करने के लिए, और इन सब के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, उनके रिगार्डिंग डिग्रीज प्रोवाइड की जाएंगी ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, तो काफी अच्छी चीज है, ठीक है ना। अगला देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, फाई इंडेक्स जिसको बोलते हैं। तो अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि FI इंडेक्स यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो आंसर जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है। और एम क्या होता है, टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या स्टेटस चल रहा है वो पता लगाने के लिए FI इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है ना। पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो इंक्लूजन के पैरामीटर्स है कौन कौन से, एक तो एक्सेस हो गया जिसको 35% का वेटेज दिया गया है, एक यूसेज हो गया, मतलब पहले तो एक्सेस मतलब कि लोगों के पास कितनी एक्सेस है फाइनेंशियल इंक्लूजन की फैसिलिटीज़ के लिए, मतलब बैंक की सुविधा कितने लोगों के पास है, इंश्योरेंस की सुविधा कितने लोगों के पास है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, एक्सेस हो गया। फिर उसके बाद यूसेज आता है 45% जिसको वेटेज दिया गया, यूसेज मतलब कि लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि जीरो फ्रिल्स अकाउंट खोल देगा ज़िंदगी में कभी उन्होंने अपने अकाउंट खोले ही नहीं। तीसरा जो है वो है क्वालिटी, यानी कि उसको भी 20% का वेटेज दिया गया है। तो सारे पैरामीटर्स के बेसिस में लगभग अलग अलग 97 इंडिकेटर हैं, 97 इंडिकेटर्स हैं इन तीन बेसिक पैरामीटर्स के अंतर्गत, और उनके बेसिस में स्टडी किया जाता है कि कहाँ पर क्या कितने ऐसे लोग हैं जो इंक्लूडेड हैं फाइनेंशियली, है ना। और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके हम देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितना है, ऐसा तो नहीं लोगों को खाते खोल के उनके पैसे गायब कर दिए जा रहे हैं ना, और ये सारी चीजें हम देखते हैं उसमें, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसका कोई बेसियर नहीं होता, एक इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का कोई बेसियर नहीं रखा गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो की फाइंडिंग्स थी इस बार के इंडेक्स की, वो ये थी कि लास्ट ईयर 2021 का अगर हम देखें तो वहाँ पे इंडेक्स था लगभग 53.9 के आसपास था, और इस बार हमको इंडेक्स बढ़ा हुआ दिखा, यानी कि 56.4 के आसपास दिखा, मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्टेटस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ओर है, एंड इट इज़ मोर देन 50%। आप तो दो ही डेटा याद रखें, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है इंडिया का, और ऑब्वियसली ये तो बढ़ता हुआ दिखेगा ही, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा तो यह ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें इंडेक्स में ना केवल ये बढ़ा है, बल्कि दूसरी चीज़ ये भी कि इसमें 50% से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, मतलब कि जो इंडेक्स की वैल्यू है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज़ है नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2022। अब एक नेशनल एंटी डोपिंग बिल जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया है। तो डोपिंग का मतलब आपको पता होगा, जब एथलीट इलीगल सब्सटेंसेस को कंज्यूम कर लेता है ना, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, है ना, तो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, डोपिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेकिन ये तो है कि उसकी परफॉर्मेंस तो बेटर होती है ऑब्वियसली, लेकिन इससे कई बार हेल्थ हैजर्ड्स भी हो जाते हैं, मेनी हेल्थ हैजर्ड्स आर आल्सो रिलेटेड टू दिस एज वेल, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली चीज़ है इसमें नेशनल एंटी डोपिंग बिल में क्या क्या प्रोविजन हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये इट प्रोहिबिट्स द डोपिंग, ये बिल प्रोहिबिट करता है एथलीट्स को, एथलीट के सपोर्ट पर्सनल को एंड अदर पर्सनल्स को फ्रॉम इंगेजिंग इन डोपिंग इन स्पोर्ट्स, है ना। तो ये बिल जो होता है, इट प्रोहिबिट द एथलीट्स, इट प्रोहिबिट्स देयर सपोर्ट स्टाफ एंड अदर पर्सनल्स टू टेक एनी प्रोहिबिटेड ड्रग्स एंड ऑल, है ना, किसी प्रोहिबिटेड ड्रग को लेने में। देन वायलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल्स में रिजल्ट इन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इंक्लूडिंग फोर फीचर ऑफ मेडल्स,
पॉइंट्स एंड प्राइजेस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें फोरफिट हो जाएंगी अगर आपने डोप किया होगा या डोपिंग आपने की होगी, है ना। याद रखिएगा, वायलेशन अगर आप एंटी डोपिंग का करते हैं तो आपका जो मेडल जीते भी होते हैं आप वो ले लिया जाता है, ठीक है ना। एंड यू विल बी इनएलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, चाहे वो नेशनल कॉम्पिटिशन हो चाहे वो आपके फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हो, आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा करेंटली जो एंटी डोपिंग रूल्स हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो भारत में एक एजेंसी है NADA, है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि करेंटली एंटी डोपिंग के रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है। पहले इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक सोसाइटी के रूप में, लेकिन अब इसको जो नाड़ा है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दिया गया है, NADA, है ना, इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दिया गया है। नाउ द बिल प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच विल बी हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये कि अब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट विल बी हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल, ठीक है। आगे देखते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, द बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट ऑन एंटी डोपिंग रेगुलेशन। तो अब एक नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स बनाया जाएगा, नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग बनाया जाएगा, जो कि क्या क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट ऑन एंटी डोपिंग रेगुलेशंस, कंप्लायंसेज विद इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ये सारी चीज़ें। बोर्ड विल ऑल्सो ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड इशू डायरेक्शंस टू इट। तो डायरेक्शन इशू करने के लिए NADA के ऊपर एक बोर्ड बनाया जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज न्यूज आइटम्स एज वेल। अभी शायद एक आध न्यूज और बची है, मैं आपको और बता देता हूं ताकि आपकी पूरी चीजें हो जाएं, कल के पेपर की भी चीजें हैं इसमें। अब यहां पे पांचवी न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडियाज अपडेटेड क्लाइमेट प्लेज टू द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में हमारे जो अपडेटेड हमारे प्लेज है, हमने उसको दोबारा से रिटरेट किया है। अब याद देख रहे हैं, ये हम INDCs, आपको पता है ना, INDCs इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड टारगेट कंट्रीब्यूशन होते हैं। तो INDCs हमने पहले जमा किए थे कि भाई हम पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हम ये चीज़ें पूरी करेंगे। अब उन्हीं में से कुछ हमने अपडेट कर दी है, वी हैव अपडेटेड दीज थिंग्स। अब ये भी एक आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बीच में पंचामृत गोल्स दिए थे, पांच गोल्स दे दिए थे ना, तो उन पांच गोल्स को हमने इसमें नहीं बताया है, हमने उसमें से दो ही ऐसे गोल्स हैं जिनको इंक्लूड किया, बाकी को नहीं इंक्लूड किया। तो लेट मी शो यू दैट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइम मिनिस्टर के पंचामृत गोल जो थे और उसके बाद जो नया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन उसमें क्या क्या। देखो, पहले हमने वहाँ पंचामृत गोल में कह दिया था कि नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगा वो 500 गीगावाट कर देंगे, उसको हमने अपने NDC में इंक्लूड नहीं किया है। दूसरा, हमने कहा था एटलीस्ट 50% हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रहेगी दैट विल फॉल नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, ये हमने इंक्लूड किया है। तीसरा देखो लिखा है रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट फ्रॉम क्यूमुलेटिव प्रोजेक्टेड इमिशन बिटवीन नाउ एंड 2030 तक, आज से 2030 तक हमने कहा था हम 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो रहेगा वो रिड्यूस करेंगे कार्बन इमिशन, तो ये इंक्लूड नहीं किया गया है। 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाई GDP बाई 2030, ये हमने इंक्लूड किया है कि हम अपने जो एमिशन इंटेंसिटी है ना, तो उसको हम 45% से रिड्यूस कर देंगे बाई 2030, ये हमने किया है। एंड नेट जीरो स्टेटस जो 2070 है, वैसे 2030 नहीं था, वो हमने इंक्लूड अभी नहीं किया है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, 2030 इसमें लिखा है लेकिन 2070 है, याद रखना, इसको कन्फ्यूज मत होना। तो ये ज़रूर याद रखना कि कुल मिलाकर के 45% इंटेंसिटी कट वाला जो पॉइंट है और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बाय रिन्यूएबल नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 50%, ये हमने दो इंक्लूड किए, अदरवाइज बाकी हमने नहीं किए हैं। अब अगला जो न्यूज़ है वो है इंडिया जो है वो मेंबर बनना चाहता है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप का, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर इंडिया बनना चाहता है। अब ये मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, तो इट्स अ पार्टनरशिप एंड एम्बिशियस पार्टनरशिप है जो कि US लेड पार्टनरशिप है, इट्स अ US लेड पार्टनरशिप टू सिक्योर द सप्लाई चेन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की लीडरशिप के अंतर्गत ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप बनाया गया है, ठीक है ना, ताकि जो चाइना है उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है फॉर रेयर अर्थ मेटल्स एंड ऑल, ये ख़त्म कर सकें हम। इसके मेंबर्स हैं US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन,
यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन कमीशन, ठीक है। तो ये इसके मेंबर्स हैं और इंडिया चाहता है कि उसको भी इसका पार्ट बनाया जाए, है ना। इसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। एंड इसमें जो फोकस है वो है रिगार्डिंग कोबाल्ट, निकल, लिथियम एंड 17 रेयर अर्थ मिनरल्स। तो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए और आपके कोबाल्ट, निकल और लिथियम हो गए, ठीक है ना। MSP अगर इसको इंडिया अगर ज्वाइन कर लेगा MSP को तो क्या बेनिफिट होगा, तो इट विल गिव पुश फॉर इंडिया टूवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। दूसरा, हमारी भी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, सप्लाई ऑफ क्रिटिकल चेन्स हमको सिक्योर हो जाएगी, है ना, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहेगी। एंड इसके अलावा जैसे रेयर अर्थ मेटल्स में, एलिमेंट्स में, आप सबको पता होगा कि एक पीरियोडिक टेबल का आपको लैंथेनम, सीरियम, नियोडीमियम, है ना, प्रेसियोडाइनियम, समेरियम, ये सारे जो हैं ये भी इसी के अंदर आते हैं, आपके रेयर अर्थ मेटल के अंदर कहते हैं। और ये पाए भी जाते हैं इंडिया में। तो इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं, लैंथेनम, सेरियम, नियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम एंड समारियम, याद रखिएगा ये इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा डिस्प्रोजियम, टर्बियम, यूरोपियम, ये नहीं पाए जाते इंडिया में, ठीक है, दे आर नॉट अवेलेबल इन इंडियन डिपॉजिट्स। तो ये भी तीन चार नाम याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। आगे मूव करते, चाइना होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल्स, फायर्स मिसाइल्स नियर ताइवान। तो कल आपको पता होगा कि जो वो पेलोसी हैं वो गई थी घूमने ताइवान में, उसके बाद कोरिया भी गई घूमने। तो पेलोसी के आने के कारण दिक्कत क्या हो गई कि चाइना काफ़ी उसको मतलब अपोजिट में ले रहा है इस चीज़ को, है ना। और अपोजिट में लेकर के उसने कल बहुत सारे ड्रिल किए ताइवान के आसपास वाले रीजन्स में, और वहाँ पर जा करके जाके पटाखे भी फोड़ के आए हैं, ठीक है ना। तो कल ही दिवाली मना रहे थे ताइवान के आसपास, तो वो देख भी सकते हैं आप लोग। और नैन्सी पेलोसी ने मानी तो थी नहीं, वो चली गई। और आप सबको पता होना चाहिए ये चीज़ कि चाइना बोलता है भाई वन चाइना प्रिंसिपल है। वन चाइना प्रिंसिपल मतलब केवल PRC है, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या इंडिया वन चाइना प्रिंसिपल को मानता है, तो यस, इंडिया 1949 से ही वन चाइना प्रिंसिपल को मानता है, लेकिन 2008 के बाद हमने कभी भी वन चाइना प्रिंसिपल का रेफरेंस नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, बट ये आपको याद रखना है कि हमने कभी भी वन चाइना प्रिंसिपल का रेफरेंस 2008 के बाद नहीं दिया है अभी तक, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग। लेकिन हम मानते हैं कि नहीं, हम मानते हैं। अमेरिका मानता है कि नहीं, यस, अमेरिका भी मानता है वन चाइना प्रिंसिपल को, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। चाइना ने गुस्से में ये भी कह दिया कि अब हम वो चाइना नहीं रह गए जो पहले लिबर करते रहते थे, और 1900 में आपने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, तो अब हम बदल गए, अब हमको चाहिए फुल इज्जत और हमारी जो बात है उसको माना भी करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यही लिखा है कि वी आर नो लॉन्गर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर इंपीरियलिस्ट पावर कैन राइड रफ शेड ओवर चाइनीज पीपल। मतलब वही है कुल मिलाकर के जो पैशन है, वही है कि भैया अब चाइना जो है वो गुड्डू भैया बनना चाहती है ना, लेकिन चाइना समझ नहीं रही कि वो गुड्डू भैया नहीं है, है ना, वो शुक्ला है। समझ रहे हो, तो वो शुक्ला है, उसको समझ में आ जाएगा ये चीज़। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी एज वेल, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आते हैं हम एडिटोरियल पेज पे, और पहला एडिटोरियल शॉप और वेलफेयर डिबेट। अब यहाँ पर बात चल रही है फ्रीबीज की। कल के न्यूज़ एनालिसिस में एक न्यूज़ आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पैनल बनाने का डिसाइड किया है जो कि फ्रीबीज के ऊपर बात करेगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार आपको न्यूज़ दिखा दूँ, तो ये कल की न्यूज़ है, वो देख ले आप देख लीजिए, द हिंदू की ही न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर अ पैनल टू लुक इनटू द फ्रीबीज इशू, है ना। तो फ्रीबीज इशूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि भैया जो इरेशनल फ्रीबीज आर ऑफर्ड टू वोटर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन, आपको दिख रहा है ना, इरेशनल फ्रीबीज बोला उन्होंने कि दे आर ऑफर्ड टू द वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, और सेइंग द रियलिटी इज दैट नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू टेक अवे फ्रीबीज। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई सिंगल भी ऐसी पार्टी नहीं है जो फ्रीबीज को लेना चाहती है, है ना, और देयरफॉर वो ऐसी एक बॉडी बनाना चाहते हैं पर्संस की हुआ डिस्पैशनेटली एग्जामाइन दिस प्रॉब्लम, ऐसी बॉडी जो कि डिस्पैशनेटली ये बना सके, ये प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके, ठीक है ना। दैट इज़ अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि इस चीज फ्रीबीज के कारण क्या होता है, इट विल पेव द वे फॉर इकोनॉमिक डिजास्टर, इट विल बी एन इकोनॉमिक डिजास्टर। दूसरी चीज, इट विल डिस्टॉर्ट द इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ द वोटर्स। नाउ देखो, जो टर्म यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने उसने भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया है। दो प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रीबीज के कारण,
कारण, ये आप लिख लीजिए, दो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आपको कभी क्रिटिक लिखना हुआ फ्रीबीज का तो आप ऐसे लिखेंगे। पहला क्या है, इकोनॉमिक डिजास्टर, इट कैन लीड टू द इकोनॉमिक डिजास्टर। ऐसा देखा भी गया कई बार, जैसे फी वेवर है, इलेक्ट्रिसिटी वेवर है, और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वेव ऑफ कर दी जाती हैं वोटिंग के नाम पे, एंड वो दे ऑल क्रिएट अ बैंकिंग हैवॉक, उसमें एनपीए की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सारी चीज़ें, तो इट लीड्स टू इकोनॉमिक डिजास्टर। दूसरा इन्होंने कहा है कि इट विल डिस्टॉर्ट द इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ द वोटर्स। देखो वोटर्स क्या है, अगर फ्रीबीज उनको देंगे तो जो उनका डिसीजन था आप उसको स्वे कर सकते हैं विदाउट डूइंग मच एफर्ट्स, है ना, जस्ट यू कैन गिव देम फ्रीबीज एंड इट विल स्वे देम फ्रॉम वोटिंग वन टू अनदर, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये क्या होगा, इट विल डिस्टॉर्ट द इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ द वोटर्स, ठीक है ना। सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सेड इट सब्सटेंशियली एंड इन प्रिंसिपल सपोर्टेड डूइंग अवे विद द प्रैक्टिस ऑफ प्रॉमिसिंग फ्रीबीज टू वोटर्स। तो तुषार मेहता का हाँ ये जरूर कहना था कि हाँ ही सपोर्ट्स द इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू दैट द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीबीज मस्ट बी डन अवे विद, लेकिन अभी भी ऑब्वियसली पार्टीज चाहती नहीं है, कहने की बात अलग है, ठीक है ना, कहने की बात अलग है। आगे बढ़ते हैं अपन अब तो अपने न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में ही आगे आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे बात ये चल रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भाई ऐसा कह सकता है, तो ऑथर का ये कहना है कि भाई दिस डिसीजन शुड कम फ्रॉम द पार्लियामेंट, ये डिसीजन पार्लियामेंट से आना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट से, पर ठीक है सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग दिस क्वेश्चन, दैट इज अ बिग थिंग, लेकिन ये डिसीजन आना कहाँ से चाहिए था, ये आना चाहिए था आपका पार्लियामेंट से क्वेश्चन आना चाहिए था। इसके अलावा बेंच ने ये भी डिसफेवर किया द ECI प्रिपेयरिंग अ मॉडल मैनिफेस्टो। इसके अलावा बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उसने ये भी कहा कि जो मॉडल मैनिफेस्टो है वो भी ECI नहीं बनाएगा, ECI इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विल नॉट मेक एनी मॉडल मैनिफेस्टो एज इट विल बी एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी। ये क्या रहेगी, खाली फॉर्मेलिटी रहेगी, देयरफॉर एक मॉडल मैनिफेस्टो ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है टू द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कोर्ट्स कंसर्न्स आर ओवर पॉपुलिस्ट मेजर्स। अब देखो क्या होता है, जैसे ये फ्रीबीज देना है ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, जो टर्म यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट मतलब जो लोगों को लुभाने के लिए किया जाए, पॉपुलिस्ट मेजर है, इट इज अ पॉपुलिस्ट मेजर। एंड बेसिकली पॉपुलिस्ट मेजर आप कब करते हो, जब आपको वोट चाहिए, आप वोट, और ये ऑब्वियस सी बात है, इट विल चेंज देयर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय फी। मान लो उन्होंने कितना भी सोचा हो कि हम इसको वोट नहीं देंगे क्योंकि इसने सही काम नहीं किया है पिछले 4.5 साल 5 साल व्यक्ति, लेकिन फ्रीबीज के चक्कर में फिर वो उसी को वोट देकर के चले आते, ठीक है चलो लास्ट में ऐसा तो कर देता है। तो उन्होंने यही कहा कि ये पॉपुलिज्म जो है, अनरेगुलेटेड पॉपुलिज्म जो है, इट विल लीड टू इकोनॉमिक डिजास्टर। जो मैंने आपको पीछे पॉइंट दिखाया ना, तो यही वाला पॉइंट है कि अनरेगुलेटेड पॉपुलिज्म विल लीड टू इकोनॉमिक डिजास्टर। वही वाली बात है कि लोग जो कहते रहे हम वही करते रहे तब तो हो चुका, फिर कल्याण ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या होता है ये, इसको मतलब जो फ्रीबीज होते हैं ना केवल ये करप्ट प्रैक्टिसेस को इंड्यूस करते हैं, ना केवल ये करप्ट प्रैक्टिसेस को इंड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ जो प्योरिटी है इलेक्शन प्रोसेस की उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, वो पूरी प्योरिटी को विशिएट कर देते हैं, मतलब विशियस बना देते हैं पूरी प्योरिटी की, पूरी प्रोसेस को, इलेक्शन की जो पूरी प्रोसेस है उसको विशियस बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, यही रीज़न है कि इसको ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए किया था बाईपास, लेकिन बाईपास करना नहीं चाहिए था, एंड जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर ही छोड़ना चाहिए था कि आप बनाओ ना डिसीजन, आपको खुद को सहमति से ये डिसीजन लेना चाहिए। रिमेंबरिंग एंड एक्सपल्जन रिमार्क रीमेकिंग एन अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा है वो लिखा है रिगार्डिंग 50 ईयर्स बैक 4 अगस्त को ही क्या हुआ था वहाँ पे, युगांडा से 50,000 युगांडन जो इंडियंस थे उनको भगा दिया गया था, ठीक है ना। तो उस समय जो वहाँ पे डिक्टेटर था यानी कि अमीन करके था, ठीक है ना, अमीन उसका नाम क्या था पूरा, उसका नाम था ईदी अमीन, ठीक है ना। तो ईदी अमीन ने क्या किया था, एक डिसीज़न लिया था कि इंडियंस जो रहेंगे, जो युगांडा में रह रहे इंडियंस हैं उनको वो उसने बोला कि अल्टीमेटम दे दे कि आप यहाँ से जाओ, ठीक है ना, अल्टीमेटम वॉज गिवन। अब वहाँ पे बेचारे हमारे 50,000 से ज़्यादा जो युगांडन इंडियंस थे दे हैड टू गो, जबकि उनके पास कोई जगह नहीं थी, उन्होंने जितनी प्रॉपर्टी बनाई थी वो सब छोड़ करके उनको जाने पड़ा। कुछ लोग केन्या चले गए, कुछ लोग कैनेडा चले गए, कुछ लोग यूनाइटेड
किंगडम चले गए, उनके जो बिजनेसेस थे, जो पोजेशंस थे, जो लैंड थे, वो सब पीछे छूट गए, ठीक है ना। फिर 1979 में क्या हुआ कि जो अमीन है, ईदी अमीन है, उसके फॉलोअर्स हैं, देवर ओवर थ्रोन इन अ सिविल वॉर एंड द इंडियन कम्युनिटी वॉज वेलकम बैक बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। उसको फिर जो वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी, उसको दोबारा वापस बुलाया गया। ऑथर ने यहाँ पे, ऑथर जो है आपको ये पता होना चाहिए, इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा ने ही लिखा है आर्टिकल। तो उसने कहा कि भैया अब जो है अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि पुरानी चीज़ें भूल जाएँ हम, और इंडिया और युगांडा मिलकर के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें, चाहे वो ट्रेड रिलेशनशिप हो, चाहे वो मतलब ये सारी फील्ड्स में बढ़ाए। और ऑथर ने ये भी तारीफ़ की कि बहुत सारे इंडियन गुजरातीज़ हैं जिन्होंने कॉटन क्लॉथ वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिशर्स के कारण पहली बार इंडियंस जो है वो युगांडा पहुँचे थे, हो सकता है वहाँ पे वर्क करने के लिए ले गए हों, लेकिन उनके उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत की और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल भी करके रखी और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अच्छे से ग्रोथ भी दिखाई है, ठीक है ना। एंड युगांडा और इंडिया के बीच का जो ट्रेड है वो भी इंक्रीज़ होता गया है 2020 तक, अभी हमने काफ़ी उसमें किया है, लेकिन इसको और ज़्यादा किया जा सकता है। इट कैन बी डन मच मोर देन दैट एज वेल, है ना, और ज्यादा कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी ऑथर ने यहां पे हाईलाइट किया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द कॉमनवेल्थ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन 2021 बिकमिंग द फर्स्ट नॉन अफ्रीकन कंट्री टू साइन एन एग्रीमेंट विद द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। तो FCFTA जो है, FCFTA क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जो है वहाँ पे, उसके लिए यूनाइटेड किंगडम जो है एकमात्र लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, एकमात्र ऐसी इकोनॉमी बन चुकी है जिसने कि एकमात्र ऐसी नॉन अफ्रीकन कंट्री है पहली जिसने कि डील किया है। किसके साथ डील किया है, आपके अफ्रीका के साथ, मतलब कि युगांडा के साथ, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के लिए। वहीं पे यही चीज़ एक्सपेक्टेड है, ऑथर ने ये भी कहा है कि भाई इंडिया के साथ भी यही एक्सपेक्टेड है कि इंडिया भी फॉलो करेगा इस सूट को और ज़रूर इसका पार्ट बनेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट बनेगा और अफ्रीका के साथ अपने रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है कोल माइनिंग प्रोटेस्ट इन द हसदेव अरण्य रीजन। तो अब ये नाम क्या है, हसदेव अरण्य रीजन, अब ये कहाँ का रीजन है, हसदेव अरण्य रीजन जो रीजन है ये छत्तीसगढ़ का लंग्स कहलाता है, लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहलाता है। एंड यहाँ पे काफ़ी पास्ट ईयर में प्रोटेस्ट हुए हैं, बिकॉज ऑफ द माइनिंग इन दिस रीजन एंड माइनिंग के कारण, और इस माइनिंग के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिहेबिलिटेट जिनको करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, न केवल जगह छोड़नी पड़ेगी बल्कि उस एरिया को पॉल्यूट भी काफी करेगा माइनिंग। और लोगों का कहना, जो एक्टिविस्ट उनका ये कहना है कि भाई ये इकोसेंसिटिव जोन है, इकोलॉजिकली बहुत अच्छी जोन है, तो आप इसको जरूर इस तरीके से मिसयूज ना करें, ठीक है ना। तो मिसयूज़ को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ ने कहा है कि अरण्य हसदेव जो रीजन है, हसदेव अरण्य रीजन है, उसको आप वहाँ से माइनिंग के जितने भी आपने वो दिए थे वो सब हटा लें। अब इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आया। तो प्राइवेट मेंबर कौन होता है, तो एनीवन हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, एनीवन मतलब चाहे रूलिंग पार्टी का हो चाहे नॉन रूलिंग पार्टी का हो, इफ़ इज़ नॉट अ मिनिस्टर, MP, MLA कोई भी हो, वो प्राइवेट मेंबर कहलाता है, और उसके द्वारा जो रेजोल्यूशन लाया जाता है उसको प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। अगर वो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन एक बार अडॉप्ट हो गया तो फिर वो कहलाता है कि भाई हाउस की यही मंशा है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द विल ऑफ द हाउस, है ना, हाउस की विल मानी जाती है। हसदेव आपको पता होना चाहिए, हसदेव एक रिवर है, हसदेव इज़ अ रिवर जो कि आपके मतलब कि हसदेव रिवर है एंड इट स्प्रेड्स नियरली 1878 स्क्वायर किलोमीटर इन नॉर्थ सेंट्रल छत्तीसगढ़। हसदेव रिवर ट्रिब्यूटरी है महानदी की, ठीक है ना, हसदेव रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसके अलावा दूसरी चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि इट ओरिजिनेट्स इन छत्तीसगढ़ एंड फ्लोज थ्रू उड़ीसा एंड देन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं, अब यहाँ पे देखो दो नदियाँ, एक्चुअली ये जो रीज़न है इको सेंसिटिव रीज़न, ये दो नदियों के पास आता है, ये आता है एक आपका ये मांड रिवर के निकट और दूसरा आता है हसदेव रिवर के निकट, तो ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि जो मांड रिवर है वो, जो हसदेव रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है, और मांड भी आपकी महानदी की ही ट्रिब्यूटरी है। एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले महानदी की सारी ट्रिब्यूटरीज बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको हसदेव रिवर याद रखना है, ठीक है ना, हसदेव रिवर इज़ द फर्स्ट वन। सेकंड आपको मांड रिवर बता दिया मैंने, तीसरा आपको मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिब्यूटरीज है इसकी। एक ट्रिब्यूटरी है सेवनाथ,
मांडर, अब वो तो याद रखेंगे, एक है जोंक, जोंक, फिर एक है आपका इब, इब और ओंग और तेल। कौन कौन सी नदियाँ ट्रिब्यूटरी हो गई महानदी की? महानदी की ट्रिब्यूटरी हो गई हसदेव और मांड, आज बता दिया, ओंग, तेल, सेवनाथ, जोंक और इब, ये ट्रिब्यूटरीज आपकी किसकी हैं? ये आपकी महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। और महानदी का ओरिजिन आपको पता है छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है, लगभग 851 किलोमीटर ये फ्लो करती है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। ट्रिब्यूटरीज याद रखना सेवनाथ, जोंक, तेल, इब, हसदेव, मांड एंड ओंग, ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर भी लिखा है सेंटर को कि भैया अलाउ मत करो, और सेंटर का भी कहना है कि भाई एक बात बताओ, जो क्लियरेंस है वो तो आप ही दिया होगा ना, अपने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और ये सारी चीज़ें आपने दी होगी, है ना। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डालने पे तुले हुए हैं, एक कह रहा है आप बंद करो, एक कह रहा है आप बंद करो, ठीक है ना। तो लेकिन आपको पूरा इशू समझ में आ गया होगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, इंक्लूड चैप्टर ऑन बोरफुकान इन सिलेबस। अब यहाँ पे असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा का कहना है कि लचित बोरफुकान जी के लिए एक चैप्टर आपको ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। लचित बोरफुकान इज अस आइकॉनिक 17th सेंचुरी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट फ्रॉम द अहोम किंगडम, अहोम किंगडम के थे, और लचित बोरफुकान की लीडरशिप के अंतर्गत ही ये बैटल ऑफ सरायघाट 1671 का एक बैटल है, बैटल ऑफ सरायघाट जो कि लड़ा गया था, और उस समय बैटल ऑफ सरायघाट एक तरह से मुगल्स की आर्मी थी, मुगल्स की आर्मी थी, एंड मुगल्स की आर्मी से फाइट किया था लचित बोरफुकान अहोम किंगडम ने, ठीक है ना। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के निकट ये युद्ध हुआ था, ब्रह्मपुत्र निकट के रिवर के निकट 1671 में, और इसमें अहोम्स ने विजय हासिल की थी, अहोम्स ने विजय भी हासिल की थी इसमें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनकी लीडरशिप में कहा जाता है कि मतलब हरा दिया था ये आपके अहोम्स ने, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये बैटल ऑफ सरायघाट ज़रूर याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ सरायघाट के अलावा, बैटल ऑफ इटाखुली, इटाखुली दोनों बैटल याद रखिएगा। अगर आपको कोई बैटल ऑफ सरायघाट बता रहा है ना, तो बैटल ऑफ इटाखुली भी आपको याद रखना, यूपीएससी पूछ सकता है बैटल ऑफ इटाखुली, तो ठीक है ना। क्योंकि बैटल ऑफ जो इटाखुली है, एंड इसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, ये भी मुगल एम्पायर और अहोम्स के बीच में, ये 1682 में हुआ था, इट वाज इन 1682, और ये मानस रिवर के निकट हुआ था, ठीक है ना, इट वाज इन मानस रिवर, और ये भी एक डिसाइसिव अहोम विक्ट्री देता है। तो दोनों बैटल याद रखना है, बैटल ऑफ सरायघाट और बैटल ऑफ इटाखुली, ठीक है ना। ठीक है, तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बैटल ऑफ सरायघाट और बैटल ऑफ इटाखुली आप दोनों याद रखेगा, ठीक है। और अहोम किंगडम की अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें मैं आपको अहोम किंगडम का बता दूं, तो इनके जो फाउंडर थे वो थे चाओलुंग सुखपा, सुकफा याद रखिएगा, चाओलुंग सुखपा वॉज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम, एंड अहोम किंगडम ने रूल किया था आसाम में फॉर 6 सेंचुरीज। अहोम्स रूल्ड द लैंड टिल द प्रोविंस वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1826, और उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ यांडाबू होती है वहाँ पे, ट्रीटी ऑफ यांडाबू वहाँ 1826 में, तब तक वहाँ पे उन्हों का ही किंगडम था। अहोम्स क्रिएटेड अ न्यू स्टेट जिसमें जो सिस्टम था वो भुइयांस यानी कि लैंड लॉट्स पे बेस्ड था, एंड इसके अलावा वहाँ पे फोर्स्ड लेबर भी था जिसको पाइक्स बोलते थे, ठीक है ना। अहोम सोसाइटी क्लैंस में डिवाइडेड थी जिसको खेल कहा जाता था, खेल, खेल वॉज कंट्रोलिंग मेजोरिटी ऑफ द विलेजेस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेवी वुमेन पायलट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। अब यहाँ पर है 5 ऑफिसर्स इंडियन नेवी की जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया बाय कंप्लीटिंग द ऑल फर्स्ट ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट मैरिटाइम रिकनाइसेंस, ठीक है ना, फर्स्ट ऑल वुमेन मैरिटाइम रिकनाइसेंस मिशन उन्होंने अरेबियन सी में डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट में कंप्लीट किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। न्यू दिल्ली मेंटेन्ड स्टडीड साइलेंस ऑन ताइवान इशू। अब ताइवान इशू पर भारत जो है वो हमारा थोड़ा चुप्पी साध के बैठा है, दैट इज अ गुड थिंग ऑल्सो, है ना। देखो यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि क्या इंडिया वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है कि नहीं करता, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, इंडिया फॉलोज द वन चाइना पॉलिसी एंड इट फॉलोज दिस पॉलिसी सिंस 1949, ठीक है ना। और इसके अलावा लेकिन हमने 2008 से इसका कभी जिक्र नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि 2008 के बाद चाइना ने वहाँ पे जो हमारे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है उस रीजन में उन्होंने कुछ कुछ करना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें जो हैं वो करना शुरू कर दिया, ठीक है ना।
एंड इसके बाद जब वो हमारी सेंसिटिविटी को अगर तवज्जो नहीं देंगे तो अब डेफिनेटली हम भी उनकी सेंसिटिविटी को तवज्जो नहीं देंगे। एंड यही रीज़न है कि फिर हमने 2008 के बाद से इसका जिक्र करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे अनक्लॉज का नाम लिखा हुआ है तो मैं आपको अनक्लॉज बता देता हूँ। अनक्लॉज अडॉप्ट हुआ था 1982 में और इसको बोलते यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी बोलते हैं और 1994 में ये इफेक्ट पे आया था। याद रखिएगा 82 में साइन हुआ था, 94 में इफेक्ट में आया था। जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1958 को इसने रिप्लेस किया था, इट रिप्लेस द जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1958, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें तीन जोन्स हैं, टेरिटोरियल, कंटिग्यूअस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अलग अलग जोन, उसके बाद हाई सी शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें पहले आता है आपका टेरिटोरियल वाटर्स, फिर उसके बाद कंटिग्यूअस जोन और उसके बाद आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड फिर उसके बाद हाई सी। तो लेट मी शो यू वन फोटोग्राफ एज वेल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक आपको दिख रहा होगा ये टेरिटोरियल सी, ये बेस लाइन है, बेस लाइन जहाँ से मतलब कि उस लाइन से जहाँ से फिर वाटर की सीमा शुरू हो जाती है, तो दैट इज़ एक्चुअली द बेस लाइन। बेस लाइन उसके बाद यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी है, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिग्यूस जोन है और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। इसके बाद आपका हाई सी आता है, हाई सी में सबके पास बराबर फ्रीडम रहती है, बाकी जितनी कंट्रीज हैं उनके पास बराबर फ्रीडम रहती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और टेरिटोरियल सी में तो भैया हमारी फुल पावर रहती है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, टेरिटोरियल सॉवरेंटी रहती है हमारी, और इनोसेंट पैसेज के लिए हम जरूर परमिशन दे सकते हैं, कभी हमको इनोसेंट पैसेज की देनी है तो दे सकते हैं, मना करनी तो मना भी कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अनक्लॉज के लिए याद रखें कि ये जो कन्वेंशन था इसने तीन नई बॉडीज़ बनाई थी, एक तो था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कंटिनेंटल शेल्फ। ये तीन बॉडीज़ बनाई गई थी नई, पहला था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, दूसरी थी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एंड तीसरी थी कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि तीन बॉडीज़ कब बनी थी, इट वॉज दे वर द पार्ट ऑफ अनक्लॉज, ठीक है ना। सी जे आई प्रपोजेस जस्टिस यू यू ललित एज न्यू सक्सेसर, उनके सक्सेसर के रूप में जस्टिस यू यू ललित, जिन्होंने कि फेमस ट्रिपल तलाक जजमेंट दिया था। फिर एक और जजमेंट था जिसमें कहा गया था कि अगर चाइल्ड के साथ, पहले ये था कि अगर डायरेक्ट टच नहीं हो रहा है, मतलब बॉडीली टच नहीं हो रहा है, कपड़े के ऊपर से हो रहा है, तो उसको पहले सेक्शुअल हरासमेंट में नहीं लिया जाता था। फिर जस्टिस यू यू ललित ही थे जिन्होंने इसको कहा था कि अगर उसमें टच, बॉडीली टच इंक्लूडेड है या नहीं, इट डजेंट मैटर, अगर टच इंक्लूडेड है कैसे भी, कपड़ों के ऊपर से, कपड़ों के अंदर से, कैसे भी वो इंक्लूड होगा, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। राज्यसभा फाइनली पासेस द फैमिली कोर्ट्स बिल, है ना, फैमिली कोर्ट्स बिल। अब ये किसका है फैमिली कोर्ट्स बिल, ये इट इज फॉर हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ठीक है ना। फैमिली कोर्ट्स कहाँ पे चलते हैं, ये हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के फैमिली कोर्ट्स के लिए है और द बिल वैलिडेट्स द फैमिली कोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब कि पुराने जो इनके जजमेंट्स है वो भी वैलिड रहेंगे। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स से हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनको वैलिडेशन दे दिया गया है, राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स रीस्टार्ट इन वियना, मतलब वियना आपको पता कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर भी है वियना, तो वहाँ पे जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसकी बातचीत दोबारा शुरू की जा चुकी है एंड ईयू इसको मेडिएट कर रहा है। पिछली बार इसको जो डील हुई थी 2015 में हुई थी, उसको हम बोलते हैं JCPOA, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। एंड इट वाज बेसिकली देयर ईरान और किसके बीच में हुई थी, तो पांच तो अपने ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और रशिया, ये पाँच तो UNSC के मेम्बर हो गए, है ना, और इसके अलावा ईरान उस दूसरी पार्टी होगी, ठीक है ना। अब जर्मनी नहीं है मेंबर, सॉरी जर्मनी उसका मेंबर नहीं है UNSC का, जर्मनी अलग था, ठीक है। P5+1 बोलते हैं, P5+1 बोलते हैं, और मतलब कि पांच तो USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, ये हो गए, और लास्ट आपका एक कौन सा हो गया, जर्मनी, P5+1 इसीलिए बोलते हैं, ठीक है ना। जर्मनी उसका मेंबर नहीं है बट USA, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना ज़रूर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, ये है एनरिचमेंट के रिगार्डिंग। तो आपको पता होना चाहिए, देखो यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है कि यूरेनियम के आइसोटोप्स है 238 है और 235 है, तो 235 जो होता है वो आपका एक्चुअली वेपन ग्रेड और ये सब बनाने के काम आता है। तो एनरिचमेंट का मतलब है कि आप यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ यूरेनियम 235 इट इज़ कॉल्ड एनरिचमेंट।
ठीक है, तो अगर 3 से 5% के बीच में है तो ये लो एनरिच्ड यूरेनियम कहलाता है, और ये जो यूज़ होता है इसका ये कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है, ठीक है ना, 3 to 5% के बीच में। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 20% के आसपास उसमें एनरिचमेंट होता है इसका, यूरेनियम 235 का, और वो रिसर्च रिएक्टर्स में यूज़ होता है, ठीक है ना। और अगर 90% तक यूरेनियम 235 पहुंच गया तो फिर ये वेपन ग्रेड यूरेनियम है। जो डील हुई थी 2015 में उसमें जो यूरेनियम की क्वांटिटी थी ईरान के लिए वो 3.67% प्योरिटी पे ही रखा गया था, 3.67 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, मतलब कि लो एनरिच्ड यूरेनियम ही रखना था। इसके अलावा नॉट मोर देन 300 kg ऑफ लो एनरिच्ड यूरेनियम, लो एनरिच्ड यूरेनियम के भी 300 किलो से ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू लाइक आर वीडियो, प्लीज डू लाइक अस, डू सब्सक्राइब टू आर चैनल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।